तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ब्लॉग 994 में स्वागत है। जैसा दोस्तों आज हम जा रहे हैं निखिल के खेत में। निखिल देखते हैं क्या कर रहा है खेत में। घर पर तो नहीं है, कॉल किए थे उठाया भी नहीं को। अब देखते हैं कहां पर है खेत में, कहां पर है। देखिए आगे आ गया। फिर बहुत दिनों के बाद आज गेहूँ काटने के लिए गया है। देखते हैं कैसे काट रहा है। कभी तो हमारे सामने नहीं काटा, हम तो अभी तक कभी गेहूँ काटे ही नहीं हैं। हमारे पास करीब 16-17 बीघा खेत है, तब भी गेहूँ नहीं, सब हार्वेस्टर से कट जाता है। बस एक जहाँ पर चल रहे हैं उसी के जस्ट सामने हमारा खेत है, वो भी हार्वेस्टर से कट जाएगा 2-4 दिन में। देखिए दोस्तों आपको बस बने रहिए दोस्तों वीडियो में, हम आगे आगे आपको सभी चीज़ दिखाते हैं। हमारा पिल्ला भी आ गया लखा, और दो शेरू और एक लोग और रह रहे हैं, सभी का नाम रखा गया है। सब हमारे साथ टहलने के लिए चल दिए हैं। अरे सामने हमारा खेत है, देखिए इसमें भी गेहूँ पूरा वैसे ही खड़ा है। अब मशीन आएगी तो ये भी कटेगा, बीच में तो गिर गया है। देखिए लगता है वही निखिल है क्या? नहीं, वो निकल नहीं सकता क्योंकि वो एकदम सज धज कर काम करता है। चलिए दोस्तों आगे आगे दिखाते हैं। आप हल्के कदमों से बस निखिल के खेत की तरफ पहुंच रहे हैं। वो शायद बैठकर एकदम आराम से गेहूं काट रहा है उधर बगल में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कर रहा है, कितना काटा है। यार साला मास्क वोस के एकदम लगा कर गेहूँ काट रहा है, बैठ कर खड़ा होकर हमें देख रहा है। मनो मन गाली तो देता ही होगा कि आ गया देखो वीडियो बनाने के लिए झूठ मूठ का। चलिए ठीक दोस्तों आपको आगे दिखाते हैं, बने रहिए। सब आ चुके हैं हमारे पिल्लू के साथ। देखिए लखा हमारे साथ साथ आ रहा है। आ गए हैं निखिल के खेत। अब देखिए निखिल को दिखाते हैं। ये निखिल एकदम चोरी चोरी काट रहा है कि देख ना पाए सुकून हम, पर हम देख लेंगे उसको, आपको ले चलते हैं। देखिए देखिए वही काट रहा है। देखिए निखिल शर्मा हमारे बटालियन, मेरी बटालियन आ रही है इधर। आ जाओ आ जाओ। ये मास्क उसके निकाल, थोड़ा जल्दी जल्दी काटो, दिख रहा है तुम्हारा लहर रहा है, गजब बेइज्जती है। देखिए 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 ऐसा जरूर व्यवस्था करता है ये। इतना चोरों की तरह एकदम देखिए अकेले अकेले काट रहा है। इतना काट चुका है, अभी बहुत बाकी है, देखते हैं कब तक काट रहा है। निखिल सही से काम नहीं कर रहा है, इतना छोट पैड़ा ले जा रहा है क्या बताएं, उसमें गेहूं भी नहीं सही से आ रहा है। इसे कोली ले जा रहा है, कोली हाँ वही तो बोल रहे नहीं, लेना भी नहीं रख पा रहा है सही से। देखिए देखिए आपको दिखाते हैं, चलिए वहाँ से पता, देखते हैं कब तक निखिल गेहूँ काटता है, फिर उसके बाद घर चलेंगे। घर चलने के बाद आपको दिखाएंगे। दोस्तों फाइनली देखिए कितनी रात हो चुकी है, हमारा फेस भी नहीं सही से दिख रहा है, और निखिल जो है इतनी रात में भी काट रहा है आराम से। देखिए आपको दिखाते हैं कैसे काट रहा है। देखिए देखिए दोस्तों कैसे काट रहे हैं सभी लोग। निखिल के दादा और तो लोग हैं, निखिल है। निखिल कब तक कटेगा, आज पूरा काट कर खत्म कर आपसे। देखिए अभी फ्लैश बंद कर दिए तो कुछ नहीं दिखेगा, दिख दिख रहा है कुछ नहीं, इतनी रात में काट रहा है लड़का एकदम काट कर एकदम कराए बुटिया देंगे इसको। अब क्या है इसको बुटिया, काट लो उतने बहुत है। देखिए दोस्तों कब तक चलता है इसका, वेट करेंगे यहीं पर रुक कर। और हमारे कुछ साथी भी आए हैं इधर, देखिए कैसे बैठा ही है, देख रहे हैं दोस्तों। और एक था पता नहीं कहाँ चला गया, लगता है घर गए हो। तीन लोग बैठ गए हैं एकदम आराम से, बैठकर मज़ा ले रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कब तक निखिल चलता है, हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। नेक्स्ट डे दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ब्लॉग 994 में स्वागत है। जैसा दोस्तों आज हम फिर जा रहे हैं निखिल के खेत, देखते हैं क्या कर रहा है वो अभी। कल रात में तो बहुत रात हो गई थी आने में, इसलिए भूल गए, और आज देखते हैं कितना समय लगता है और उसको क्या कर रहा है अभी। चलते हैं दोस्तों आपको दिखाते हैं निखिल कितना काटा है गेहूँ और इस टाइम क्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ धन्यवाद दोस्तों। आगे दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या होता है, ठीक बने रहिए बस वीडियो में। जैसा दोस्तों हम आ चुके हैं निखिल के खेत, अब आपको दिखाते हैं निखिल कर क्या रहा है। ठीक दोस्तों निखिल क्या कर रहा है देख लीजिए आप सब, आप सभी लोग
अभी लगता है बोझ बना रहा है। क्या कर रहे हो? कितना मेहनत कर रहा है लड़का, बहुत परिश्रम। देखते हैं इसका क्या मिलता है। इसको सुबह सुबह देखिए दोस्तों कितना काम देख रहे हैं दोस्तों। देखिए आपको आपको दिखाते हैं कैसे क्यों करता है ये निखिल मास्टर। पीछे कहाँ गए, वहाँ देखते जाएंगे रोड जाएंगे वहाँ से। ये निखिल का पैड़ा है, तो उधर हमारे भैया अमन भैया की मम्मी उम्मी काट रही हैं, और उधर देखिए ट्रैक्टर चल रहा है गेहूँ काटने वाले। आपको दिखाते हैं और वीडियो, बस हमारी वीडियो में बने रहिए दोस्तों प्लीज़। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नीचे हंस रहा है देखकर, पता नहीं क्यों वो समझ रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? सच्ची ये एक नंबर का पूरा जगह चोर है। देखो कैसे उठा रहा है। सर बिल्कुल बनाई लाते, बहुत ही महंगी है, बहुत महंगी। पर एक नंबर का जगह छुट्टा भी है। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और देखिए आगे आगे इधर आप दिखाते हैं, सभी सभी लोग सुबह सुबह अपना काम करने के लिए आ गए हैं। देखिए वही पीकर फेंका है नीचे, क्या है? एम्पीरियल ब्लू। एम्पीरियल ब्लू हमको फेंकते रहे। सुबह का नजारा, सूर्य भगवान एकदम टिकी निगाह से देख रहे हैं। अब लगता है ग्लूकोंडी की जरूरत पड़ जाएगी हम लोगों को। चलिए दोस्तों अब आगे बने रहिए वीडियो में, आगे दिखाते हैं। देखिए फिर बुला रहा है बूढ़ी फैलाने के लिए। सड़ी क्या सुबह कंट्रोल रहेगा नहीं। चलिए यहाँ पर दोस्तों लगता है कि महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं और आदमी लोग कम करते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ तीन लोग तो निखिल के घर के हैं, फिर उस वाले खेत में सभी लोग दिखे महिलाएं हैं, और इधर भी आप लोग को दिखा सकते हैं। इधर देखिए सभी महिलाएं हैं, यहाँ पर आदमी लोग कम काम करते हैं क्योंकि वो जगह चोर होते हैं एक नंबर के हमको लगता है यहाँ पर। और देखिए उस खेत में भी, उधर भी, वहाँ पर भी सभी महिलाएं ही काम कर रही हैं वहाँ पर, और इधर बगल में भी महिलाएं, सभी जगह यानी हर जगह महिलाएं ही काम करती हैं। बस यही निखिल के घर लगता है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकाला जाता, इसलिए सभी लोग अपने ही आ गए हैं। पर इसकी दादी भी आई है वहाँ पर काट रही हैं बगल में, आपको दिखाते हैं। देखिए एक नंबर का क्या मज़ा आ रहा है। देखिए यहाँ पर सभी ट्रैक्टर से दो दो जगह कट रहा है। ये निखिल बेचारा अपने हाथ से काट कर बांध रहा है, कितना मेहनत कर रहा है लड़का। करना भी चाहिए, नहीं करेगा तो क्या मिलेगा, घंटा। आपको दिखाते आ गया कि बस बने रही वीडियो में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? बस चल रहे हैं घुड़ी लाने। हाँ वही ला ही सकते हो। चलो चलो अपने, देखो काम दाम है नहीं। अरे अरे काम नहीं इसीलिए आ गए ना तुम्हारे पास। देखिए कैसे जा रहा है लड़कियों की तरह, खाता पीता है नहीं। देखिए ये क्या पोज मार रहा है, देख रहे हैं ना दोस्तों। देखते देखिए आपको जो बोल रहे थे, देखिए इसकी दादी भी आई है इधर। इधर देखिए सभी महिलाएं काट रही हैं। देखिए वहाँ पर, देखिए उस खेत में सभी, देखिए एक लोग पूरी दादी उठी है वहाँ पर।
देखिए उधर, ये देखिए निखिल जा रहा है, मंद गति से जा रहा है एकदम आराम से, आराम धाम तो है नहीं इसको। चलिए ठीक, देख दोस्तों देखते हैं बस, वीडियो में आगे आगे बने रहिए, क्या क्या दिखाते हैं आपको बस देखिए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। अच्छा देख रखो, सही से रखो, क्यों छीट रहे नीचे, देखो नहीं वाला। हाँ सही बोल रहे हैं, कैसे काम करने का मन नहीं है, मैंने करने का मन है, करने का मन है क्या, यही सर इसका करने का मन होता है, करना पड़ जाता है। ठीक है ठीक है, करो करो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आदर्श ब्लॉग में स्वागत है। देखिए निखिल है, ये 3 दिन से ये एक ही गेहूं काट रहा है, आपको बताते हैं कितना गेहूं है और कितने बीघा है, 15-20 खेत है और 3 दिनों से काट रहा है, 15-20 आप सोचिए दोस्तों। और इसी में इसके चाचा दादाजी और अम्मा जी चलो घरे, देखिए देखिए ऐसा लड़का भड़काने वाले बहुत है यहाँ अगल मालूम है तेरे बाप को, मत चल बगल। ठीक, सब सोचते हैं काम ना हो, तुम काम करो अपना, बताओ 15-20 खेत गेहूं है और 3 दिन में 5 लोग, देखिए देखिए हार्वेस्टर मशीन बन गया है इतना मोम सा, यार पूछो मत की तो तू क्या करे, वीडियो बनाता है। देखिए 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 इसको काटने का एकदम सम, देखिए कैसे कैसे छीट रहा है, देखिए कैसे छीट रहा है, घंटा चलो तो महीना छीटा, हार्वेस्टर ना छीटा थे तो हम हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर तो निकाल लेता है एक ही बात में सब माल पानी सब, बहुत तेज हो रहे हैं ना हार्वेस्टर के काका, इसीलिए 15-20 3 दिन से काट रहे कक्का लोग, थोड़ा लेट काटते हैं। हाँ, अरे 15-20 कम से कम 2 दिन में काट दो बात खत्म, हमारे बेटे को हार्वेस्टर आ जाएगी। अब देखिए आज भी, अब फिर शाम को फिर आएगा इसी में काटने, कल भी आएगा हमको लगता है, जिस स्पीड से काट रहा है कटवाई देवे। हाँ देखिए दोस्तों, आप चलिए दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आगे आगे दिखाते हैं, आगे आगे दिखाते हैं क्या क्या। तो गाइस जैसा कि देखिए, ये जो आदर्श है वो बहुत ज्यादा हमको चिढ़ा रहा था और अब इसका खुद काटने का मन कर रहा है, जो तो जैसा देख सकते हैं इसका क्या क्या दिख रहा है, गजब बेइज्जती है। तो अब ये काटना शुरू किया है बेचारा, अभी अभी गेहूं, जिंदगी में पहली बार गेहूं काट रहा है, वो मेरी वजह से काट रहा है। तो गेहूं काटेगा गाइस तो बीज के हाथ पैर मजबूत होंगे ना, बस खाली देखने में ही मोटा है और कुछ नहीं है, और कुछ मोटा आदर्श, बस तुम ही मोटे हो। अरे कहना क्या चाहते हो आदर्श, कुछ और भी मोटा है, बस तुम ही मोटे हो। अच्छा कर रहा है, बस नहीं मोटा हूँ। तो गाइस जैसा कि देखिए, आदर्श बहुत अच्छे तरीके से काट रहा है, मुझे नहीं ऐसा उम्मीद था कि आदर्श को इतना अच्छा काटना आता है। देखिए गाइस जैसे गजब काट रहा है, या या। तो गाइस जैसा कि देखिए, हार्वेस्टर के चाचा जी आ चुके हैं यहाँ पे और बस ये यहाँ से लेके वहाँ तक काट काट करके दिखाएंगे, देखते हैं गाइस कितने सेकंड में काटता है। तो आदर्श फटाफट काटो था। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप सब, यहाँ से स्पीड बनाया हुआ है आदर्श, बस ये यहाँ पे देख सकते हैं और क्या क्या सिस्टम इसका दिख रहा है। तो गाइस जैसा कि देखिए, आदर्श एकदम रेडी हो चुका है काटने के लिए, एकदम दुल्हन उलहन बन करके तैयार है और सूर्य भगवान जिसका मुंह देखना चाहते हैं लेकिन ये दिखाना नहीं चाहता है, तो दुल्हन जी तैयार हैं और काटना शुरू कर रही हैं। तो एकदम चकाचक काट रही दुल्हन जी, और दुल्हन जी का वो भी दिख रहा है बहुत अच्छा। तो गाइस आप सब देख सकते हैं, तो अगर आप सबको उसका वो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। तो आदर्श बस थोड़ा सा और बचा है, फटाफट काट दीजिए। तो गाइस देखिए, यही जो है आदर्श सामने से ऐसे इस तरीके से काट रहा है, और बस 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 थोड़ा सा और मिशन है हम लोग का, बस ये पूरा होने वाला है, उसके बाद हम मजा ही मजा है, हम भी चलेंगे आराम करेंगे, ये बेचारा आराम करेगा। इसका तो हार्वेस्टर से कट रहा है और मैं तो हार्वेस्टर बुलाया था लेकिन हार्वेस्टर यहाँ पे गाइस आ नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग हार्वेस्टर से नहीं कटवा पाए, नहीं तो हर साल मैं हार्वेस्टर से ही कटवाता था। तुमसे ना हो पाएगा।
तो गाइज अगली बार क्या हुआ था ना कि अगल बगल जितने सबका खेत था सब लोग अपना हार्वेस्टर से कटवा लिए थे, तो हम भी कटवा लिए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ हार्वेस्टर आने का जगह नहीं था और सब लोग बोल रहे थे हम हार्वेस्टर से नहीं कटवाएंगे, जब अगल बगल वाले कटवाते नहीं तो हार्वेस्टर इतनी बड़ी मशीन है तो खेत में आती कैसे, इसलिए हम हार्वेस्टर के चाचा जी को बुला लिए हैं। और जैसा कि यहाँ पे हार्वेस्टर के चाचा जी बहुत चकाचक एकदम बढ़िया तरीके से काट रहे हैं और एकदम लीन हो गए हैं काटने में, अपना सब कुछ दिखाते हुए चल रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं आदर्श एकदम चकाचक हार्वेस्टर के चाचा जी बनकर एकदम कचाकच काट चुके हैं और काकी जी उधर काट रहे हैं, चाचा जी इधर काट रहे हैं। तो बस यहाँ पे देखिए सब चीज़ एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। आदर्श अगर आप थोड़ा सा और काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। तो गाइस जैसा कि देखिए आदर्श बहुत ज़्यादा थक चुका है और दोनों भाई लोग वहाँ बैठे हुए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।